बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज़ क्रेब्स साइकिल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ कन्वर्जन होगी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें जो लास्ट हमारा प्रोडक्ट आया था वो था पाइरूविक एसिड 3-कार्बन कंपाउंड। लेकिन क्रेब्स साइकिल में ये 3-कार्बन कंपाउंड डायरेक्टली एंटर नहीं होता, बल्कि ये 3-कार्बन कंपाउंड सबसे पहले 2-कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। सो देखते हैं कैसे कन्वर्जन होगी। पाइरूविक एसिड जो कि 3-कार्बन कंपाउंड है, इसकी पहले होगी डी कार्बो ऑक्सीलेशन, मतलब एक कार्बन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो 2-कार्बन कंपाउंड हमारे पास रह जाएगा। अब जहाँ पर डी कार्बो ऑक्सीलेशन हो रही है वहाँ पर ही डी हाइड्रोजनेशन होगी, हाइड्रोजन एटम्स की रिमूवमेंट होगी और NAD+ इसको कैच कर लेंगे और बन जाएगा NADH+H+ और रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि अब रेडी है क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के लिए। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे, या इस स्टेप की कन्वर्जन को हम कहेंगे लिंक रिएक्शन या एसिटाइलेशन ऑफ पाइरूविक एसिड, मतलब पाइरूविक एसिड की एसिटाइलेशन। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो है क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड या TCA साइकिल। ये तीनों साइकिल के नाम जो है वो एक ही प्रोसेस है। सो देखते हैं जो पिछले स्टेप में हमने किया है एसिटाइलेशन ऑफ पाइरूविक एसिड की कन्वर्जन को, उससे हमारे पास आया था एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2-कार्बन कंपाउंड है। आपने साइकिल देख के बिल्कुल जो है वो हैरान नहीं होना कि इतनी मुश्किल साइकिल है, बहुत ही आसान है। आप समझेंगे तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझ आ जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा ताकि आपको हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए था, जो कि हमारे पास 2-कार्बन कंपाउंड है, लेकिन हमें क्रेब्स साइकिल में 6-कार्बन कंपाउंड चाहिए। तो बाकी 4-कार्बन कंपाउंड कहाँ से आया? हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से 4-कार्बन जो है वो उधार ले लिए। तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलकर जो है, ये दोनों मिलकर एक रिएक्शन करेंगे जिसे हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंस करके बना देंगे सिट्रिक एसिड, जो कि 6-कार्बन कंपाउंड है हमारे पास। 4 यहाँ से और 2 यहाँ से जब मिलेंगे तो 6-कार्बन कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा। और इसी स्टेप में कंडेंसेशन रिएक्शन के ही स्टेप में हमारे पास जो है वो रिमूवल होता है वाटर का, और यहाँ से कोएंजाइम ए जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास आएगा सिट्रिक एसिड 6-कार्बन कंपाउंड। और सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि साइकिल का अपना ही नाम है, क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड है वो सिट्रिक एसिड ही है, तो इस वजह से साइकिल का नाम भी सिट्रिक एसिड है। और इसी स्टेप में जो है TCA साइकिल भी इसी प्रोसेस का या इसी स्टेप का जो है वो नाम है, क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड के पास 3-कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इस साइकिल को TCA साइकिल भी कहते हैं, मतलब ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल। अब ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ये कन्वर्ट होगा सिस एकोनेटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनाइटेज एंजाइम। एकोनाइटेज एंजाइम की मौजूदगी में सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू सिस एकोनेटिक एसिड, और इस स्टेप में आयरन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। सिस एकोनेटिक एसिड जो है ये टेम्पररी कंपाउंड है, ये फिर कन्वर्ट होगा इनटू आइसोसिट्रिक एसिड, सेम इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनाइटेज एंजाइम एंड आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। सेम सिस एकोनेटिक एसिड भी 6-कार्बन कंपाउंड था और आइसोसिट्रिक एसिड भी 6-कार्बन कंपाउंड था, कोई भी यहाँ पर जो कार्बन का लॉस नहीं हुआ आइसोसिट्रिक एसिड तक। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर होती है डी कार्बो ऑक्सीलेशन एज वेल एज डी हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन को है वो रिमूव होंगे हाइड्रोजन एटम्स और उनको कैच कर लेंगे NAD+ और बना लेंगे NADH+H+, और कार्बन की जो है द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूवमेंट होगी, और 6-कार्बन में से 1 कार्बन जब निकल गया तो हमारे पास 5-कार्बन कंपाउंड बनेगा, जिसको हम कहेंगे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है
फिर इसकी होगी डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज डीहाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन आइटम रिमूव होंगे, एन ए डी एच प्लस एच प्लस बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन को रिमूव कर लेगा, तो हमारे पास फाइव में सो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में जो कि फाइव कार्बन कंपाउंड है, इसमें से एक कार्बन निकल गया तो हमारे पास कितने कंपाउंड बचे, फोर कार्बन कंपाउंड जो है हमारे पास आया और उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो कि फोर कार्बन कंपाउंड है। अगर देखा जाए तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यहाँ तक हमारी क्रेब्स साइकिल जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा क्रेब्स साइकिल का वो टू कार्बन कंपाउंड था जो कि हमें यूटिलाइज कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बना लिया, जैसे एक यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हुई और एक यहाँ पर, और इन दोनों ने कार्बन को रिमूव कर लिया तो वो दोनों कार्बन जो है वो यूटिलाइज हो गए। लेकिन अब ये फोर कार्बन कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, लेकिन हमने स्टार्टिंग में टू कार्बन और फोर कार्बन कंपाउंड को कंडेंस किया था। अगर आपको याद हो तो शुरू में कंडेंसेशन जो है रिएक्शन हुआ था तो उससे हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से फोर कार्बन जो है वो उधार लिए थे, तो हमने अब वो अगर लिए हैं पैसे तो उसको वापस तो करने हैं। तो चलिए हम यहीं से ही नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में से कोएंजाइम जो है वो रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा सक्सिनिक एसिड। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से लेकर सक्सिनिक एसिड तक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी और इस स्टेप में जो है हम लोग एटीपी को बना सकते हैं। तो यही एक स्टेप है क्रेब्स साइकिल में जिसमें एटीपी डायरेक्ट बनती है और इसलिए हम इस स्टेप को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट एटीपी जो है वो जनरेट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम, क्योंकि इस स्टेप में कोई भी फॉस्फेट का जो है वो रिमूवल तो होगा नहीं, इसलिए हमने एटीपी को लेना है साथ साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी लेना है ताकि इन दोनों के मिलने से जो है हमें एटीपी मतलब एनर्जी जनरेट हो जाए। अब नेक्स्ट में सक्सिनिक एसिड जो है नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होगा इंटू फ्यूमेरिक एसिड। यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होगी सक्सिनिक एसिड की और हाइड्रोजन एटम जो है वो कैच करेंगे एफ ए डी और बना लेंगे एफ ए डी एच टू। नेक्स्ट फ्यूमेरिक एसिड जो है यहाँ पर वाटर की रिमूवल होगी और फ्यूमेरेस एंजाइम की मौजूदगी में फ्यूमेरिक एसिड जो है कन्वर्ट हो जाएगा इंटू मैलिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में मैलिक एसिड की फिर डिहाइड्रोजनेशन होगी और हाइड्रोजन एटम्स को एन ए डी प्लस जो है वो कैच कर लेंगे और बना लेंगे एन ए डी एच प्लस एच इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेस और रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो फोर कार्बन कंपाउंड हमारे पास दोबारा से आ गया। अब ये ऑक्सैलो एसिटेट जो है वो न्यू एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंस करने को रेडी है। अब ये साइकिल जब नेक्स्ट चलेगी तो यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है रेडी होगा ताकि वो अपने फोर कार्बन कंपाउंड जो है वो पार्टनरशिप कर ले एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ ताकि फर्दर नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट की जा सके। सो ये थी क्रेब्स साइकिल इन डिटेल। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो है जल्दी से मिल सके और आपके तमाम डाउट जो है वो क्लियर हो सके। थैंक यू।